शहर में पतंगबाजी का खूनी खेल ना रुक सका। मजीद तीन शहरी गर्दनें कटवा बैठे। सीसीपीओ का नोटिस, पुलिस को सख्त एक्शन लेने की हिदायत कर दी। वालिदैन को भी बच्चों को पतंगबाजी से मना करने की अपील। इंसाफ के मुंतजर सानिहे साहिवाल के मुतासरीन आज वकला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सानिहे पर बनाई गई JIT ने आवाम से भी मदद मांग ली। अखबार में इश्तिहार दे दिया ठोस सबूत, चश्मदीद शहादत या वीडियो के हवाले से आवाम से तआवुन की अपील। चौधरी निसार समेत हल्फ ना उठाने वाले अराकीन की असम्बली की रुकनीत मनसूख करने का मामला लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद दरख्वास्त पर समाअत आज करेंगे। दरख्वास्त में विफाकी सूबाई हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और चौधरी निसार को फरीक बनाया गया। ठंडी ठंडी हवाएं, शहर में सर्दी की लहर बरकरार। सुबह सवेरे धुंध के भी डेरे, मोटरवे और शहर की सड़कों पर ट्रैफिक सुस्त। आज कम अज कम दर्जा हरारत 4, ज्यादा से ज्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। लाहौर एयरपोर्ट पर 14 प्रवाजें ताखिर का शिकार, 13 उड़ान ही ना भर सकें। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आमदो रवानगी भी ताखिर का शिकार। कराची से आने वाली ट्रेनें कई कई घंटे लेट। जिलाई अदालतों की खवातीन जजेस के तहफ्फुज के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। जस्टिस आयशा ए मलिक कमेटी की सरबराह मुकर्रर। चीफ जस्टिस सरदार शमीम खान ने दीवानी कवानीन का जायजा लेने के लिए भी आज सर नौ कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी सिफारिशात तैयार करके चीफ जस्टिस को भिजवाएगी। कूड़े के खिलाफ जंग, लाहौर न्यूज के संग। छुट्टी के रोज भी अफसर आरामदेह कमरों में बैठने की बजाय बाहर निकले। अमले ने भरपूर फुर्तियां दिखाई, गली और मोहल्ले से कूड़ा करकट का सफाया किया। बंद रोड, शेरावाला गेट, शालीमार बाग, चेरिंग क्रॉस पर सफाई कैंप लगाए। नाकिस इंतजाम पर सफाई कंपनी के 3 अफसर मुअत्तल कर दिए गए। तुर्क कंपनियों के नुमाइंदों ने सफाई सुथराई का जायजा लिया। नवाज शरीफ की नासाज तबीयत का मामला, नवाज शरीफ को मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट तक किसी इदारे में इलाज के लिए मुंतकिल न करने का फैसला। स्पेशल मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की सेहत के मुतालिक ताहाल रिपोर्ट नहीं दी। नवाज शरीफ के इलाज का फैसला मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर किया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला कैप्टन रिटायर्ड फजील असगर। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज, ओपनर साहबजादा फरहान और जारहाना बल्लेबाज आसिफ अली जनूबी अफ्रीका रवाना। वनडे सीरीज के बाद इमाम उल हक और शान मसूद की वतन वापसी होगी।